देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वो नंबर पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो प्राइम नंबर पढ़ लिए थे बाबू। शांति से सुन नानी को, म्यूट करो, शांति से सुनो। हम लोग क्या, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, प्राइम नंबर पढ़ लिए थे, प्राइम नंबर पढ़ लिए थे ना, क्या पढ़े थे बाबू, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिए थे ना, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक, देखो प्राइम नंबर क्या होता है बाबू, शांति सुनना, प्राइम नंबर क्या होता है बाबू, वैसा नंबर बाबू जिसका सिर्फ क्या दो ही फैक्टर हो, मतलब सिर्फ वन से डिवाइड हो, मतलब वन से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, इटसेल्फ से डिवाइड हो और अपने आप से। हाँ, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे क्या सर, म्यूट करो, किसका म्यूट है, म्यूट कीजिए बाबू, किसका म्यूट है, सिर्फ। अच्छा तन्नू, ये तन्नू का हमेशा म्यूट रहता है, चलो ठीक है, एक आराध्य का है, ठीक है। प्राइम नंबर किसको कहेंगे बाबू, प्राइम नंबर किसको कहेंगे, वैसा नंबर बाबू जो क्या हो, वन से और इट सेल्फ से डिवाइड हो। जैसे टू है बाबू, तो टू मेरा किससे, वन से डिवाइड होता है और टू से डिवाइड होता है। जैसे इलेवन है सर, तो इलेवन किससे डिवाइड होता है, वन से सर, और किससे सर, इलेवन से। किसी बाबू इलेवन और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना, इलेवन और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ना ही टू से डिवाइड होता, ना ही थ्री से होता, ना ही फोर से होता है, ना ही फोर से होता है। ठीक, किसका अनम्यूट है बाबू, बार बार प्राइम नंबर है, बाबू म्यूट करो, बहुत शांति से पढ़ो, ठीक है ना, बहुत परेशान करते इस माने, ठीक है, म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है, नामिका म्यूट कीजिए बाबू, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, वैसा नंबर बाबू जो सिर्फ किससे डिवाइड हो, वन से और इटसेल्फ से डिवाइड हो, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे ना। जैसे इलेवन हो गया सर, इलेवन बाबू वन से डिवाइड होता है और इलेवन से डिवाइड होता है, इसके बाद इलेवन टू के टेबल में इलेवन कभी नहीं आएगा, टू का टेबल पढ़ो, इलेवन कभी नहीं आएगा, टू वन जा टू, टू टू जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा कितना एट, टू फाइव जा टेन, टू 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 सिक्स जा ट्वेल्व हो जाएगा ना। थ्री के टेबल में इलेवन कभी नहीं आएगा, फोर के टेबल में इलेवन कभी नहीं आएगा, फाइव के टेबल में इलेवन कभी नहीं आएगा, सिक्स के टेबल में भी नहीं आएगा, सेवन में भी नहीं आएगा, एट में भी नहीं आएगा, नाइन में भी नहीं आएगा, टेन में भी नहीं आएगा, है ना, है ना बाबू, सिर्फ इलेवन के टेबल में इलेवन आएगा और वन के टेबल में इलेवन आएगा ना। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, वैसे नंबर को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे ना, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक ठीक बाबू, यहाँ तो समझ में आ गया था, इतना हम बता चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आज हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, शांति समझना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। तो वैसा नंबर बाबू, वैसा नंबर बाबू जो क्या बाबू, जिसका बाबू जो दो, जो एक और अपने आप के सिवा छोड़कर किसी और नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब बाबू जिसका मोर देन दो फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, शांति समझना। रियल नंबर का हिंदी क्या होता है, बहुत परेशान, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है ना, आल तो फल बाबू क्यों बीच में ऐसे पूछते रहती हो, जब रियल नंबर पढ़ाएंगे तो समय बताए, उस समय पूछी का, वास्तविक संख्या होता है रियल नंबर का, हिंदी, हिंदी के पीछे पागल रहती है सब। नेक्स्ट वो नेक्स्ट, चलो ठीक है, पूछती अच्छी बात है। जैसे बाबू आपको क्या बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, कब क्या पढ़ा रहे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है ना। आप कंपोजिट नंबर जैसे मान लो एक नंबर फोर लेते हैं, तो फोर को चेक करो किस किस से डिवाइड होता है, फोर बाबू किस से डिवाइड होता है सर, वन से, हाँ सर, वन के टेबल में फोर आता है, ठीक बाबू, फोर किस से डिवाइड होता सर, टू टू जा फोर होता है ना, टू के टेबल में टू से डिवाइड होता है, हाँ सर, टू किस से डिवाइड, फोर किस से डिवाइड होता है सर, फोर से, फोर से। तो इसका क्या हुआ बाबू, दो नंबर से बाबू एक और अपने आप को सो छोड़कर एक एक्स्ट्रा नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, है ना, डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे ना। मतलब क्या सर बाबू, जिसका जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, जो बाबू देखो एक टर्म आप लोग को पढ़ना बाबू, फैक्टर, 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 फैक्टर क्या होता बाबू, ये नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वह सारा का सारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे फोर मेरा किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, वन से, टू से, फोर से, है ना, तो ये वन टू फोर क्या कहलाएगा, वो फैक्टर कहलाएगा, किसका सर, फोर का, फोर का। तो एक वर्ड याद रखना, फैक्टर, फैक्टर क्या होता बाबू, कोई दिया गया नंबर वो जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, याद रखना, कोई नंबर बाबू ठीक है ना, दिया गया नंबर वो जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा वह नंबर क्या कहलाएगा, मेरा फैक्टर कहलाएगा। जैसे फोर है तो किस किस से डिवाइड हो रहा, वन से डिवाइड हो रहा, टू से डिवाइड हो रहा, फोर से डिवाइड हो, तो ये वन टू फोर को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, वो फैक्टर कहेंगे ना, फैक्टर कहेंगे। ठीक,
क्या कहेंगे इसको, फैक्टर कहेंगे, मतलब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जैसे नेक्स्ट नंबर मान लेते हैं सिक्स ले लेते हैं, है ना बाबू, सिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो सिक्स मेरा बाबू किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो सोचो वन के टेबल में सिक्स आता है, हाँ सर आता है। टू के टेबल में सिक्स आता है, टू थ्री जा सिक्स होता है ना, हाँ सर आता है, ठीक है बाबू। थ्री के टेबल में सिक्स आता है, हाँ सर थ्री टू जा सिक्स होता है, मम्मी तो यही पढ़ाई है, हाँ सर आता है। सिक्स के टेबल में सिक्स आता है, हाँ सर सिक्स सिक्स जा कितना हो गया, सिक्स हो गया। तो इसका क्या हो गया, ये छह जो सिक्स जो नंबर है बाबू, दो या दो से ज्यादा नंबर से डिविजुअल है ना, दो या दो से क्या ज्यादा नंबर से डिविजुअल हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे एट देखो, समझना है, एट देखो, एट देखो है ना, एट देखो, एट वन से डिवाइड होता है, हाँ सर वन के टेबल में एट आता है ना, हाँ सर ये तो मम्मी पढ़ाई है। नेक्स्ट बाबू ए टू के टेबल में एट आता है, हाँ सर टू फोर जा एट होता है, ठीक है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट थ्री के टेबल में एट आता है, थ्री जा एट कभी हो भी नहीं करता, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री ना थ्री जा नाइन होता, नहीं आता। फोर के टेबल में एट आता है, हाँ सर फोर टू जा एट होता। फिर एट के टेबल में एट आता है, हाँ सर एट के टेबल में तो आई भी करता है सर, है ना, इसमें कौन सा बड़ा बात है ना, एट के टेबल में आ गया है ना, एट वन जा एट है ना। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे नंबर पॉसिबल है, ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल है ना। जैसे बाबू मान लेते हैं ट्वेल्व लेते हैं ना, ट्वेल्व लेते हैं ना, ट्वेल्व लेते हैं, तो देखो ट्वेल्व का कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो टेबल पढ़ना, टेबल पढ़ना, वन के टेबल में ट्वेल्व आएगा, हाँ सर टू, टू के टेबल में ट्वेल्व आता है, टू सिक्स या ट्वेल्व सर, सही बात है। थ्री के टेबल में ट्वेल्व आता है, हाँ सर थ्री के टेबल में तो आता है ट्वेल्व। फोर के टेबल में ट्वेल्व आता है, फोर थ्री या ट्वेल्व, मम्मी तो ये आता है ना, आता है बाबू है ना, ये फोर हो गया। फाइव के टेबल में बाबू ट्वेल्व आता है, नहीं आता, फाइव नहीं आता। सिक्स के टेबल में ट्वेल्व आता है, हाँ यस सर सिक्स के टेबल में आता। ट्वेल्व के फिर सिक्स के बाद बाबू सेवन के टेबल में ट्वेल्व आएगा, नहीं आएगा। एट के टेबल में आएगा, नहीं आएगा है ना। फिर नाइन के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। टेन के टेबल ट्वेल्व आएगा, नहीं आएगा। इलेवन वाला में आएगा, नहीं आएगा। लास्ट ट्वेल्व वाला, ये सब जो आया बाबू, ये सब आपको जो आ रहा वन टू थ्री फोर है ना, वन टू फोर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वन टू क्या होगा, फैक्टर होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे ना, फैक्टर कहेंगे। ये सब जो सारे डिविजुअल वाला नंबर आया है, सारे जो डिविजुअल नंबर आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो फैक्टर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे ना, फैक्टर कहेंगे। ये सब जो नंबर आपको आ रहा है, ये सब जो नंबर आ रहा है, ये सारा का सारा क्या होगा, फैक्टर होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, फैक्टर होगा, सारा का सारा क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। तो इसका कितना फैक्टर है सर, कंपोजिट नंबर में देखेगा वो, कंपोजिट नंबर में देखेगा, कंपोजिट नंबर में देखेगा वो, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर होगा। अब प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होगा ना, दो ही फैक्टर होगा, ठीक है, ठीक है, बोलो बाबू, हाँ बोलो संकाल। प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर ही ना होगा। हाँ बाबू, प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर होगा कंपोजिट नंबर होगा। चलो बाबू ठीक, ये सारा का सारा मेरा क्या होगा, वो फैक्टर होगा, फैक्टर होगा, ठीक है, फैक्टर होगा, अच्छी बात, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट है ना। तो ये सब सारा का सारा क्या, वो कंपोजिट नंबर है, सारा का सारा क्या, कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। जीरो बाबू, जीरो का बाबू लिखा है ना बाबू, वन ना ही प्राइम नंबर है बाबू, ना ही कंपोजिट नंबर है। और जीरो का बाबू क्या होता है, जीरो का एक ही फैक्टर होगा ना बाबू, जीरो सिर्फ जीरो से डिविजुअल होता है ना, ठीक। तो जीरो बाबू मेरा प्राइम नंबर नहीं है, जीरो मेरा प्राइम नंबर नहीं है बाबू, प्राइम नंबर नहीं है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आराध्या वीडियो ऑन कीजिए बाबू, इसको थोड़ा डिफाइन करो, इसको क्या करो, डिफाइन करो, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भी चाहिए। हाँ बाबू, हम लोग कौन सा नंबर डिफाइन करें बाबू, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, समझा मेरे को सर, समझा कि नहीं समझा बाबू, समझा सर। हाँ लिखे लिखे लिखे, द नंबर बाबू, द नंबर बाबू भी है सर, लिखे। हाँ बाबू, द नंबर बाबू विच है बाबू, विच है मोर देन,
टू फैक्टर्स, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इज कॉल्ड बाबू कंपोजिट नंबर। अच्छा ठीक है, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। लिखिए, इंक डाल रहे हैं बाबू। इंक हल्का हो गया बाबू। समझिए राधिया कि नहीं समझिए बाबू? नो सर, अच्छा ब्लर दिख रहा है। नो सर, ब्लर तो नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है बाबू, नहीं दिख रहा। लिखे 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 बाबू लिखे। तनु समझी? तनु इधर उधर क्या कर रही है तनु? तनु क्या कर रही है इधर उधर बाबू? सर जगह नहीं मिल रहा बैठने के लिए। हाँ सर, हद करती हो, आपका पूरा घर है बाबू और वहाँ पे जगह नहीं मिल रहा बैठने के लिए, हद नहीं करती हो? सर बेडरूम में उतना जगह नहीं है। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। सानवी नहीं आई बाबू, फिटिंग में नहीं है, सानवी नहीं है। अनामिका वीडियो ऑन कीजिए। चलो ठीक है, ऑन है। समझे शिवानी? यस सर, मेरा हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया तो शांत रहिए। डन सर, कंप्लीट सर, मेरा वीडियो बंद है। ये कौन नहीं आई है? सानवी नहीं आई है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा नंबर पढ़ेंगे बाबू? नेक्स्ट बाबू नॉट डन। अच्छा नेक्स्ट कौन सा तनु? नेक्स्ट कौन सा टाइप है बाबू? सर कोप्राइम नंबर। हाँ कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। सर पूरा ब्लैक बोर्ड वाला लिखे? हाँ मेरे बाबू, पूरा लिखना है। नहीं फिर कंप्लीट रहा ना बहुत, कंप्लीट नहीं कंप्लीट रहा ना सत्यम, बहुत पिटेंगे। सर मेरा तभी आधा होगा। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। अब फिर कंप्लीट किया अनामिका? ये अनामिका कहाँ भाग गई? शैतान कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो अनामिका? कह रहे बाबू फिर कंप्लीट की हो? सर क्या हुआ है? कुछ नहीं, कूट देंगे। एक आध 10-15 दिन का टाइम बाबू नहीं रहेगा, कूट देंगे, पकड़ के रुला देंगे, ठीक है ना? स्कूल के बहुत सारा प्लान है।
हमको उसका मतलब नहीं है, मेरा वाला कंप्लीट चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। सर पिछली बार आप मुझे दिखाए थे वीडियो कॉल पे, बहुत पिटेंगे नामिका, ठीक है ना, स्कूल का फेयर है इसका फेयर उसका फेयर, काट लीजिए ना, मार क्यों रहे हैं हमें, नहीं करती है तब ना बाबू, कर देगी तो हम क्यों मारेंगे, नहीं कम करेगी तो पिटेंगे नहीं, नहीं सर मैं बोल रहा हूँ आप डांट लीजिए मारेंगे, तो डांट से सुनती नहीं ना, डांट का तो डेली है, सुनती कहाँ, सुन जाएगी तो कहे हम पिटेंगे। चलिए बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट बाबू, को प्राइम नंबर, देखो मन से पढ़ना, अच्छा ठीक है, हो गया नेक्स्ट ले हुआ तो वहां पे ग्लास है। नेक्स्ट हेडिंग क्या बाबू, को प्राइम नंबर, नेक्स्ट वन क्या है, को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम के कौन सा नंबर होगा को प्राइम नंबर बताओ बाबू तनु, नहीं मैं नहीं सर, सॉरी मैं अभी पढ़ा हूं सर, वो कौन सा नंबर होगा संकल्प बाबू, को प्राइम नंबर कौन सा नंबर है, 12 है, तुम पढ़े हो ये को प्राइम नंबर्स, कौन सा नंबर होगा बाबू, कुछ नहीं संकल्प, कौन सा नंबर होगा बाबू, हाँ बाबू जो भी फैक्टर आएगा उसको उन सारे को मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा को प्राइम नंबर, ऐसा तान समझो, देखो बाबू को प्राइम नंबर क्या था बाबू, को प्राइम नंबर अच्छा ठीक है, को प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, वो पेयर ऑफ बाबू क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ नंबर, शांत रहो शांति समझो, दो को पेयर ऑफ नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, दो को पेयर ऑफ नंबर होना चाहिए, प्रत्युषा आपको भगा देंगे बाबू हिसाब किताब करके, शांति से पढ़ती नहीं खाली इधर उधर करते रहती हो, सुनती नहीं है बात को, इसीलिए पढ़ने में कमजोर, ठीक है वैसा बाबू, वैसा पेयर ऑफ बाबू है ना, हम लोग इसमें क्या करें बाबू, पेयर ऑफ नंबर लेंगे जैसे 3 5, ठीक, तो इसमें पेयर ऑफ नंबर में बाबू देखना, इसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक के सिवा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, मेरा कौन सा है बाबू, को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर है ना बाबू, को प्राइम नंबर में बाबू हमेशा जब भी आएगा पेयर ऑफ नंबर आएगा, और उस पेयर ऑफ नंबर में बाबू देखना कि दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, तो 3 मेरा, शांति से सुनो, 3 मेरा बाबू, 3 मेरा किस किस नंबर से डिविजिबल है, 3 मेरा किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 3 मेरा 1 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 2 नंबर से डिवाइड होता है ना बाबू, हाँ सर, 5 मेरा किस किस नंबर से डिवाइड होता है सर, 5 मेरा किस किस से डिवाइड होता है, 5 मेरा 1 से होता है सर, और किससे होता है, 5 से होता है, इसी 2 नंबर से होता है, ठीक है, तो ये दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, सिर्फ कॉमन 1 नंबर होना है, वो 1 ही कॉमन होना चाहिए ना, 1 कॉमन होना चाहिए, वैसा पेयर ऑफ नंबर बाबू जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर को हम लोग कहेंगे, पूरा का पूरा समझ में आ गया सर, आके कूटेंगे ना सत्यम, तो देखते कितना समझ में आता, बहुत पीटेंगे, ठीक है ना, पूरा समझ में आ गया, वैसा पेयर ऑफ नंबर बाबू जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ कॉमन क्या, 1 है ना बाबू, हाँ सर, तो इसको हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर, क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, जैसे और सर और सर और सर और सर और सर, जैसे मान लो बाबू क्या ले लो, 5 ले लो और 7 ले लो, ठीक, 5 ले लो बाबू मेरे, और कौन सा नंबर ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो 7 ले लो, ठीक ठीक बाबू, तो 5 मेरा किस किस नंबर से डिविजिबल है सर, 5 किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो 5 मेरा 1 से डिवाइड होता है सर, ये भी को प्राइम नंबर है, हाँ 5 मेरा 1 से डिवाइड होता है सर, और 5 से डिवाइड होता है, 7 मेरा किस किस से डिवाइड होता है सर, 1 से होता है सर और 7 से होता है, तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है ना बाबू, 1 है ना, दोनों जगह मिल रहा है, 1 है ना मिल रहा है, इसके सिवा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, पहले मन से समझना उसके बाद लिखाएंगे, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू 11 हो गया और क्या हो गया बाबू, 13 हो गया है ना, 13 हो गया, 13 हो गया है ना, 13 हो गया, ठीक ठीक बाबू, तो 11 मेरा किस किस नंबर से डिवाइड होता है सर, किस किस नंबर से, 11 से, 11 सर 1 से डिवाइड होता है सर, और 11 से डिवाइड होता है, ये सब किस क्लास का चीज है, LKG UKG का चीज है ना, वो लोअर क्लास का, आपको तो हमको पढ़ाने में शर्म आता है, लेकिन क्या करें, सिलेबस में बाबू देता है 5 6 में पढ़ने के लिए,
इलेवन किस से डिवाइड हो रहा है, वन से इलेवन से, तो सारा प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ही होगा बाबू। प्राइम इसमें बाबू पेयर ऑफ नंबर होंगे संकल्प बाबू, पेयर जोड़ा जोड़ा आएगा, जोड़ा आएगा, देखो ना अभी समझो ना, अभी समझा देंगे ठीक है ना, दो ही ठीक है ना, थर्टीन बाबू, थर्टीन मेरा बाबू किस से डिवाइड होता है सर, वन से सर, और थर्टीन से है ना, थर्टीन से है ना बाबू, थर्टीन से ठीक। तो इसमें कॉमन एक ही फैक्टर होना बाबू, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होना है, ओनली वन। तो ये भी मेरा क्या होगा बाबू, को प्राइम नंबर होगा, ये भी क्या होगा बाबू, मेरा को प्राइम नंबर होगा है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, समझो, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाते हैं ना, उसके बाद डिफाइन कर देंगे, एग्जाम्पल करवा के क्या करेंगे आप लोग को डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, जैसे सर मान लीजिए सर क्या है सर, जैसे क्या बाबू फोर है ठीक है, जैसे क्या बाबू फोर है, या बाबू थ्री ले लो, थ्री ले लो बाबू, और नाइन ले लो ठीक, समझना यहाँ ठीक। तो थ्री में मेरा किस किस नंबर से डिविजुअल है, थ्री सर, थ्री मेरा वन से डिविजुअल है सर, और किस से डिविजुअल होता है, थ्री से, यही दो नंबर से थ्री डिविजुअल होता है ना सर, वन से और थ्री से ठीक। नेक्स्ट बाबू, नाइन मेरा किस किस नंबर से डिविजुअल होता है सर, किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो नाइन वन के टेबल में नाइन आता है, हाँ सर मम्मी तो पढ़ाई है, आता ही आता है ना ठीक हो। टू के टेबल में नाइन आता है, नहीं आता, थ्री के टेबल में आता है, थ्री थ्री जा नाइन होता है सर है ना, थ्री हो गया। नेक्स्ट फोर के टेबल में नाइन आता है, नहीं आता, फाइव के टेबल में नाइन, नहीं आता, सिक्स के टेबल में नाइन, सेवन के टेबल में नाइन, एट के टेबल में नाइन, नाइन के टेबल में, हाँ नाइन के टेबल, नाइन के टेबल। तो यहाँ पे देखो कितना कॉमन फैक्टर हो गया सर, वन मिल गया सर, ये थ्री भी मिल गया सर, तो ये मेरा को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये मेरा को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये नॉट को प्राइम नंबर होगा है ना, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, को प्राइम नंबर नहीं है ना। मतलब क्या मैचिंग होना चाहिए, सिर्फ वन मैचिंग होना चाहिए, सिर्फ क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए, वन के सिवा कोई अदर नंबर मिल जाएगा तो मेरा को प्राइम नंबर नहीं होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा ठीक। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जैसे बाबू जैसे देखो 17 है और 21 है ठीक, सोचना है तो 71 मेरा बाबू किस किस नंबर, ठीक है समझो बाबू, 17 1 से 1 के टेबल में आता है, हाँ सर, किस किस नंबर से 17 डिवाइड होता है, तो 1 के टेबल में आता है, हाँ सर, 17 2 के टेबल में आएगा, कभी नहीं आएगा सर, 2 का टेबल पढ़ते रहो, 3 के टेबल में 17 आएगा, नहीं आएगा सर, 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा सर, 4 4 16 और 4 5 20 सर 20, हाँ 6 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा ना, किसी के टेबल में नहीं आएगा, लास्ट में किसके टेबल में आएगा, 17 के टेबल में आएगा ठीक। 21 में देखो, 21 में देखो, 21 आएगा, 3 का 21 के क्या आएगा, 1 के टेबल में आएगा 21, हां सर, 2 के टेबल में 21 आता है, नहीं सर 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में 21 आता है, हाँ सर 3 7 21, मम्मी तो ये पढ़ाई है ना। नेक्स्ट बाबू 4 के टेबल में आता है 21, नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, इतना मारे मारेंगे ना ठीक है, 5 के टेबल में आता है, नहीं आता, 6 के टेबल में, नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, हाँ सर 7 1 7 7 2 14 7 3 21, 7 के टेबल में आ गया है ना ठीक हो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एक बार आप कौन से टेबल में आएगा, 21 के टेबल में आएगा। तो यहाँ देखो बाबू कॉमन फैक्टर क्या है मेरे बाबू, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है बाबू, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, वन है ना बाबू, इसके सिवा कुछ नहीं ना बाबू, वन है, उसके सिवा कोई कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो ये भी पेयर ऑफ नंबर मेरा क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे ना, को प्राइम नंबर कहलाएंगे ना ठीक है, इस पेयर ऑफ नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, समझिए अलीसा, अलीसा समझी बाबू, रो काल रही हो अलीसा, सर लिखे सर, शैतान लिखा है जो लिखोगे, डिफाइन अभी किए हैं, रो काल रही हो अलीसा, समझिए नामिका, देखो नामिका छापने में लगी हुई है, इसके मम्मी साथ बात करते हैं, मम्मी है नामिका, या नामिका बाबू, मम्मी है ना, अभी रुको अभी 5 मिनट पहले छुट्टी देते हैं आपको बाबू, ढूंढते हैं ढूंढवाते हैं। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, इसको डिफाइन करेंगे, जब समझा रहे थे तो लिखने में लगी हुई थी ना, आएंगे ना तो हाथ पर तोड़ देंगे सीधे दम बाबू। अब लिखिए आप लोग, अब पेयर ऑफ नंबर बाबू, आप लोग लिखिए ठीक है ना, आप लोग लिखिए, जब लिखने बोले तभी लिखना, ऐसे नहीं लिखना, राइट डाउन करो,
अब पेयर ऑफ नंबर होगा जो वैसे गेम खेलने वाला ना है। अब पेयर ऑफ नंबर बाबू म्यूट करो प्रतिभा आर सेट टू बी प्रत्युषा म्यूट कीजिए लिखे सत्यम ए पेयर ऑफ नंबर्स बाबू आर सेट टू बी बाबू सेट टू बी बाबू को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर इफ दे डू नॉट हैव सेट टू बी के बाद क्या है टू बी बाबू को प्राइम नंबर ए पेयर ऑफ नंबर बाबू नंबर्स आर सेट टू बी बाबू को प्राइम नंबर को है को अब प्राइम के बीच में हाइफन है इफ दे बाबू डू नॉट हैव दे डू नॉट हैव बाबू एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन अदर देन वन मेरे को क्या वो प्रॉब्लम तेरे को डांट सर वो इफ दे के बाद क्या लिखा है डू नॉट हाँ डू नॉट है तन्नो क्या करे बाबू हाँ डू नॉट बाबू दोनों ये बाबू एक ही साथ होता है एक ही साथ होता है का संकल्प वीडियो का बंद है बाबू संकल्प बाबू वीडियो का बंद है समझा संकल्प मेरे समझा निकू समझ गया इसमें हम लोग कंसेप्ट लिखेंगे थोड़ा सा दो चार को कंसेप्ट है समझी तन्नु तन्नु समझी कुछ दो चार को कंसेप्ट है बाबू वो सब भी लिखाई देते हैं ना ये सब सारा बाबू टू क्लास का चीज है टू थ्री में पढ़ना ठीक है ना सारा का सारा इसमें प्राइम नंबर टू टू में वन में टू में ये सब में पढ़ना रहता सर ये सब तो आया ही नहीं हमारे क्लास में अरे आप लोग के स्कूल में बाबू सिलेबस वैसा बनाया ही है बाबू कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा के खाली बाबू धोखा किया गया ठीक है ना कंपटीशन में बैठोगे ना तो यही सब नंबर आएगा नेशनल लेवल पे कंपटीशन दोगे ना तो यही सब पूछता है कौन को प्राइम है कौन प्राइम है कौन परफेक्ट नंबर है अच्छी बात है तने। नहीं मिलेगा आई कार्ड हमेशा के लिए ना अभी ना म्यूट कीजिए तन्नु तन्नु बाबू म्यूट कीजिए सर मेरा म्यूट है तन्नु को बोल रहे हैं सत्यम बहुत कॉमेडी सत्यम तो बकवास कर रहा है पहले तो नहीं बोलता था उतना इसमें एक बार जाके पिटेंगे ना तो फिर शांत हो जाएगा सत्यम भी ठीक है सत्यम सारे बच्चे को लिखने दीजिए बाबू सर वो नहीं था और था सर हमारी सृष्टि गई सृष्टि तो खैर अभी बच्ची है नहीं जी टिकी हुई रहती है मुझे बात आती है क्या सृष्टि रहती एक आराध्या गई होगी सर डन वेरी गुड बाबू अच्छे से पढ़ रही है एक आरब नहीं आया एक सानवी नहीं आया दो हो गया इजी तो है आराध्या शायद आप ही के क्लास के है बाबू शिवानी फाइव में पढ़ते है क्या नो सर मेरे क्लास में तो कोई आराध्या नहीं है तो फोर की होगी फोर में पढ़ती होगी क्यों सर वो सेम स्कूल में आराध्या है चलो ठीक है रहे चैनल
लिखे लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे लिख लिया संकाल। हाँ सर होने ही वाला है। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। तनु पढ़ाई कर रही है मन से मैम? कैसे खाली नाटक करती है? सर पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? आपकी मम्मी ने बताएगी बाबू? आप थोड़ी कहोगे कि हम सर नहीं पढ़ रहे हैं। सर छुट्टी में है। वो आपकी मम्मी से हम पूछ लेंगे, टेंशन नहीं है। कोई बच्चा, अच्छा ये बताओ कोई ऐसा बच्चा है बाबू जो बोलेगा सर कि हम नहीं पढ़ रहे हैं अपने इच्छा से? कोई भी ऐसा बच्चा है? कोई ऐसा नहीं बोलेगा, पढ़ता नहीं है कोई नहीं। चलो ठीक है, हमारा सत्यम नहीं पढ़ता फिर भी वो बोलेगा कि सर पढ़ रहे हैं। मैं सर कहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट बाबू, मैं तो अभी देख रहा था सर। नेक्स्ट, अब इसका तो थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें क्या बहुत, थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट है थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेंगे इसका, है ना? सर आई हैव डन। वेरी गुड, दो चार को कंसेप्ट है उसको थोड़ा सीखेंगे। एक टर्म आप लोग को सीखना बाबू, कंजिक्यूटिव नंबर सीखना, ये ध्यान देना है ना। एक टर्म सीखना आप लोग को, फर्दर यूज होगा है ना बाबू, होल लाइफ में यूज होगा कंजिक्यूटिव नंबर। शांति समझना, चलिए सीखिए कंसेप्ट सीखिए। देखिए बाबू, टू कंजक्यूटिव नंबर जो भी है नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर बता चुके हैं ना, तो टू कंजक्यूटिव नेचुरल नंबर बाबू हमेशा को प्राइम नंबर होगा। समझना समझना, टू कंजक्यूटिव नेचुरल बाबू नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा है ना, को प्राइम नंबर होगा। कोई भी दो कंजक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो। देखो समझो इस कंसेप्ट को, समझो बाबू, समझना आलिशा। समझिए इसको। मैं हर दिन अश्मिता दीदी के साथ बात करती हूँ। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंसेप्ट में लिखेंगे। देखो समझो बाबू, ठीक है ना, कोई भी कंजक्यूटिव नंबर ले लो, मतलब क्या सर, आगे बाबू बहुत यूज होगा कंजक्यूटिव नंबर। पता नहीं आप लोग को आता है भी नहीं आता है? नहीं आता सर। अच्छा ठीक है, कंजक्यूटिव नंबर, कंजक्यूटिव नंबर ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, समझना इसको पहले समझ लो, सर समझ में आ जाएगा, सारे बच्चे मन से सुनेगा। जैसे बाबू 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 9, 10 है ना बाबू, तो कंजक्यूटिव नंबर किसको कहेंगे? यदि दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। निको मन से पढ़ना, निको कहाँ गया मेरे से था? यहाँ बाबू 4 और 3 के बीच में कितना का गैप है सर? एक गैप। एक का गैप है बाबू, 4-3 में कितना, एक का गैप है। यहाँ भी कितना, एक का गैप है। यहाँ भी कितना बाबू, 1 का गैप है। 3 और 5 के बीच 3 गैप है। एक गैप है सारे में, सारे में कितना, एक का गैप है ना। तो कहीं सारे नंबर के बीच, बाबू म्यूट करो, सारे नंबर के बीच का गैप बाबू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है 1। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजक्यूटिव, म्यूट करो ना बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजक्यूटिव नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजक्यूटिव नंबर कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, कंजक्यूटिव नंबर कहेंगे ना, कंजक्यूटिव नंबर कहेंगे। ठीक, समझना समझना। जैसे बाबू क्या बाबू, 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया, तो यहाँ कितना का गैप है, 2 लगातार संख्या। कंजक्यूटिव मतलब वो क्या होता है, लगातार कह सकते हैं, लगातार कह सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ कितना का गैप है बाबू, कितना का गैप है, 4 2 में 2 का गैप है। 4 और 6 में कितना का गैप है, 4 और 6 में 2 का गैप है। दो ये क्या अंतर बाबू, 6 - 4 8 और 6 में कितना का गैप है, 2 का गैप है। 10 और 8 में कितना, 2 का गैप है। तो सारे बाबू लगातार नंबर के बीच में कितना, 2-2 का गैप हो रहा है, 2-2 का गैप हो रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कंजक्यूटिव नंबर कहेंगे। 2, 4, 6, 8 भी मेरा क्या होगा, कंजक्यूटिव नंबर होगा। क्या होगा बाबू, मेरा कंजक्यूटिव नंबर होगा। क्या होगा, कंजक्यूटिव नंबर होगा है ना, कंजक्यूटिव नंबर होगा। ठीक, मतलब बाबू कंजक्यूटिव नंबर किसको कहो बाबू, यदि कोई भी नंबर ले लो,
उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे बाबू 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, ठीक। तो यहाँ कितना का डिफरेंस है सर, 8 और 4 में कितना, 4 का अंतर है। ये दोनों में कितना का अंतर है सर, 4 का अंतर है। ये दोनों में कितना, 16 और 12 में कितना, 4 का अंतर है। और यहाँ सारे नंबर के बीच कितना, सेम डिफरेंस है ना बाबू, सारे नंबर के बीच में सेम डिफरेंस है। ठीक है, सारे नंबर के बीच में बाबू कितना, 4 का डिफरेंस है ना। तो ये भी बाबू क्या होगा, कंजिक्यूटिव नंबर होगा, कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, ये भी कितना बाबू, ये कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कंजिक्यूटिव नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, कंजिक्यूटिव नंबर कहेंगे ना, कंजिक्यूटिव नंबर कहेंगे। ठीक है ना बाबू, आप कंसेप्ट समझो को प्राइम नंबर का। तो दो नेचुरल नंबर हो, दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा बाबू, प्राइम को प्राइम नंबर होगा। पहला कंसेप्ट क्या कहता है बाबू, कि दो कंजिक्यूटिव नेचुरल प्राइम नंबर, टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा बाबू, को प्राइम नंबर होगा। समझना इस बात को, कोई दो बाबू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर कंजिक्यूटिव मतलब लगातार 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 है ना, लगातार। तो दो को कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो है ना, वो हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, कोई प्राइम को प्राइम नंबर होगा। देखो कैसे है, हाँ बाबू समझो समझो कंसेप्ट नंबर 1 बाबू, बाद में लिखाएंगे इसको। जैसे एग्जांपल सर, जैसे 3 है बाबू, 3 है और क्या है, 4 है। तो ये दो को कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है कि नहीं सर, 3 के बाद 4 आ गया है ना बाबू। ठीक है सर, अच्छी बात है बाबू है ना। ठीक है बाबू, ठीक है। तो जब ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, वो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे देखो ये हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। कैसे सर, देखो 3 बाबू किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 से। 3 किस से डिवाइड हो रहा है, 3 से। 4 मेरा बाबू किस किस से डिवाइड होता है, 1 से। और किस से, 2 से। और किस से, 4 से, है ना। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या बाबू मेरा, 1 है ना। कॉमन फैक्टर क्या बाबू, 1 है ना। कॉमन फैक्टर क्या, 1 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। कोई भी बाबू लगातार दो लगातार बाबू नेचुरल नंबर उठाइए, दो कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर उठाइए है ना, कोई भी उठा लो, 8 ले लो, 9 ले लो, कोई भी नंबर दो कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर ले लो ना, कंटिन्यूअस। 8 के बाद कौन आएगा, 9 आएगा है ना, 9 आएगा। ठीक है बाबू, ठीक है सर। तो 8 के बाद 9 होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। कैसे सर, कैसे सर, देखो 8 मेरा बाबू किस किस से डिवाइड होता है, 1 से सर, 2 से सर, 4 से सर, और 8 से। इसी नंबर से ना 8 डिवाइड होता है बाबू है ना। 9 मेरा किस से डिवाइड होता सर, 1 से सर, 3 से सर, और बाबू 9 से। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 ना हो रहा है, वो कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है। तो ये भी मेरा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा है ना, ये भी को प्राइम नंबर। कोई भी बाबू दो को लगातार नेचुरल नंबर उठा है ना, ये कंसेप्ट नंबर में लिखा है, कोई भी नेचुरल, जैसे मान लो 15 है बाबू, 16 उठा, तो ये भी मेरा बाबू क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। इसके बीच में भी कॉमन फैक्टर 1 आएगा, उसके सिवा कुछ नहीं आएगा। कोई भी बाबू मान लो 20 है सर, 21 है, 20 हो गया, 21 हो गया, ये भी क्या वो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो ये भी सारे का सारे क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, सारे का सारे क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा ना। यही कंसेप्ट 1 कहता है ना बाबू। तो इसको हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, टू कंजिक्यूटिव बाबू, टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर यस सर, टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर बाबू, नेचुरल नंबर बाबू, आर ऑलवेज, तो लिखे, आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। ठीक है, लिखे बाबू। तो कल आप लोग रिवाइज कीजिएगा थोड़ा बहुत, क्वेश्चन टेस्ट बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लेंगे, टेस्ट लेंगे है ना। चलो लिखिए बाबू, अब फिर आप लोग कंप्लीट करना, जिसका जिसका कंप्लीट नहीं वो कूट देंगे पकड़ के। क्या निकू, क्या बोले बाबू निकू बाबू, सर नीचे 15 16 पहले ना सर, 20 21 उसका हमें लिखना है सर। हाँ बाबू, उसको भी लिखना है बाबू, लिखना है, इसको भी लिखना है। 15 देखो, 15 किस किस नंबर से, इसको आप लोग किस किस नंबर से डिवाइड होता है इसको, 1 3 इसको खुद करना,
16 किस किस नंबर से डिवाइड होता है इसको खुद करना, देखना दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या आता है। 21 किस किस नंबर से डिवाइड होता है इसको खुद करना, थोड़ा करोगे तब ना सीखोगे। वो चलिए बाबू अच्छी बात है। कौन भागा बाबू? अलीसा तो है, अलीसा रहती है, तन्नू भी रहती है, अनामिका है, सपना, सृष्टि तो बाबू एक आराध्या गई। और क्या कर रहे थे सृष्टि? डांस कर रहे थे, घूम रहे थे बाबू? सर आप ये तो है ना वो फैक्टर ट्री पढ़ाते है ना वैसा है ये फैक्टर ट्री। हाँ बाबू ऐसा ही है सर, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है फैक्टर ट्री। सर फैक्टरी जैसन प्रोजेक्ट भी होता है। हाँ बाबू सर आराध्या गई और एक कौन गया बाबू? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। संकल्प फेयर कंप्लीट हो गया बाबू? सर हो गया है आप लोग का बाबू सप्ताह में। वेरी गुड, सप्ताह में बाबू क्या करेंगे ना फेयर चेक करेंगे सारे पेरेंट्स के थ्रू, महीना में एक बार कभी कभी मन होगा चेक कर लेंगे। अनामिका की हो बाबू? अनामिका अनामिका कैमरा से फ्रंट कैमरा से देख लीजिए।